हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे 10 अननोन फैक्ट्स अबाउट यूक्रेन, यूक्रेन के 10 अननोन फैक्ट्स। तो इसलिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम यूक्रेन के ओवरव्यू के साथ। दोस्तों, यूक्रेन एक यूरोपीय देश है और ये यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है एरिया के मुताबिक, और इसका एरिया है 6,35,050 स्क्वायर किलोमीटर। यूक्रेन की राजधानी कीव है, KYIV और KIEV, ये दोनों अलग अलग वर्ड्स है, एक रशियन वर्ड है और एक यूक्रेनियन वर्ड है। यूक्रेन के 7 पड़ोसी देश हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं: रशिया, बेलारूस, मोल्डोवा, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, रोमानिया। ये 7 देश यूक्रेन के पड़ोसी देश हैं और ये ज़मीनी तौर पर यूक्रेन से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, यूक्रेन की करेंसी है यूक्रेनियन रिवेनिया, जिसका मूल्य अगर भारतीय रुपयों में देखें तो वो होता है करीबन 2.53 रुपये। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं यूक्रेन की कुल जनसंख्या कितनी है। दोस्तों, अगर हम बात करें यूक्रेन की जनसंख्या की तो वो है लगभग 4.41 करोड़। दोस्तों, हमने यूक्रेन का पूरा ओवरव्यू कर लिया है, तो अब हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं फैक्ट नंबर 1 के साथ। दोस्तों, मैरिज रिंग सेरेमनी में रिंग्स लेफ्ट हैंड में पहनाई जाती है, वहीं यूक्रेन की अगर बात करें तो यूक्रेन में राइट हैंड में पहनाई जाती है। चलिए अब बात करते हैं हम फैक्ट नंबर 2 की। दोस्तों, ओ सोले मियो एक फेमस सॉन्ग है जो कि यूक्रेन में कंपोज्ड की गई है। अब बात करेंगे हम फैक्ट नंबर 3 की। गाइस, यूक्रेन का एक नेशनल कॉस्ट्यूम है जिसे हम वाइशाइवंका के नाम से जानते हैं। ये वाइशाइवंका काफ़ी ट्रेडिशनल एंड कल्चरल ड्रेस है यूक्रेन का। इसमें काफ़ी फ्लावर्स वगैरह यूज़ किए गए हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, अमूमन आपने बहुत ही बड़े बड़े म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को देखा होगा, लेकिन जो सबसे बड़ा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जिसका नाम है ट्रेम्बिटा, वो भी यूक्रेन में ही बनाई जाती है। अब हम आ चुके हैं फैक्ट नंबर 5 पर। दोस्तों, गैस से जलने वाली लैंप्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो कि लिव बेस्ट फार्मासिस्ट है। दोस्तों, ये गैस लैंप्स जैन जे और इग्नासी लुकास विज के द्वारा बनाया गया था और इसका फर्स्टली इन्वेंशन 1853 में हुआ था। नेक्स्ट इज फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, वर्ल्ड का डीपेस्ट रेलवे स्टेशन है द एरसी नाला स्टेशन, जो कि यूक्रेन में है और वो धरती से लगभग 346 फीट नीचे है। अब हम बात करेंगे फैक्ट नंबर 7 की। दोस्तों, आप सनफ्लावर से तो जरूर रूबरू होंगे, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सनफ्लावर सीड्स सबसे ज़्यादा यूक्रेन में उत्पादित किए जाते हैं, जिनका अगर हम मेजरमेंट्स देखें तो वो है करीबन 17.5 मिलियन मैट्रिक टन्स। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं फैक्ट नंबर 8 की। दोस्तों, आपने यूक्रेन को ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप के नाम से जरूर सुना होगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके पीछे छुपी एक छोटी सी मिस्ट्री के बारे में। सबसे ज़्यादा वीट यूक्रेन में उत्पादित किए जाते हैं और इसीलिए उसे ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक सॉयल बहुत ही अच्छे मात्रा में उपलब्ध है और इसीलिए हम इसे ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप कहते हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं सेकंड लास्ट फैक्ट की तरफ। दोस्तों, यूक्रेन का एक अपना नेशनल सूप है जिसमें अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स का प्रयोग किया जाता है, और दोस्तों उस सूप का नाम है बॉस्ट। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं फैक्ट नंबर 10 पे।
दोस्तों वैसे तो आप बहुत ही अलग अलग टनल्स के बारे में जानते होंगे, लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूँ वर्ल्ड फेमस द टनल ऑफ लव के बारे में। द टनल ऑफ लव भी यूक्रेन में लोकेटेड है। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो 10 अननोन फैक्ट्स अबाउट यूक्रेन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और अपने सजेशंस अगले टॉपिक्स के बारे में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।